कर्नाटक के अंदर स्पेशली मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आज लोगों के बीच जाते हम सेकुलर पार्टी है, मुसलमानों के साथ है बोल के शर्म आना चाहिए लीडरों को। जो एस्पिरेंट 10-10 लोग जो टिकट पूछ रहे, तुम्हारे में अगर दम है आके यहाँ पे स्ट्राइक करो मुसलमानों के तरफ से। आज कर्नाटक के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर आज मुसलमानों के लिए भी उतना ही राइट्स है बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। गुलबर्गा कर्नाटक के अंदर बीजेपी सरकार को लोग सबक सिखाएंगे बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हदरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स। बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन, डिप्लोमा इन अरबिक। 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। बीजेपी सरकार आज गुलबर्गा के अंदर जो डीसी ऑफिस के सामने जो जेडीएस पार्टी के तरफ से हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और नासिर उस्ताद साहब के नेतृत्व में जो आज एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आज कर्नाटक के अंदर 4% जो रिजर्वेशन हमारे मुसलमान भाइयों का, जो एक कर्नाटक का गवर्नमेंट जो बीजेपी का गवर्नमेंट यहाँ पे छीन लिया है, तो आज हमारे जनता दल के तरफ से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कर्नाटक के अंदर स्पेशली मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। CNRC आया, हिजाब का इशू आया, अजान का इशू आया, झटका कट का इशू आया। अब इलेक्शन के सामने 4% जो रिजेक्शन है वो भी छीन लिए अभी। ये बीजेपी सरकार को शर्म आना चाहिए। आज कर्नाटक के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर आज मुसलमानों के लिए भी उतना ही राइट्स है बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। आज हमारे मुसलमान भाई लोग नौजवान आज IAS IPS पढ़ रहे, इनको रिजर्वेशन निकाल के इनको तकलीफ देना चाह रहा है यहाँ का बीजेपी का सरकार। आने वाले दिनों में गुलबर्गा कर्नाटक के अंदर बीजेपी सरकार को लोग सबक सिखाएंगे बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। आज गुलबर्गा के अंदर कई कांग्रेस के लीडर मुंह बंद के चुप बैठे घरों में। आज लोगों के बीच जाते हम सेकुलर पार्टी है, मुसलमानों के साथ है बोल के शर्म आना चाहिए लीडरों को। साउथ के अंदर मैं पूछना चाहता हूँ, जो एस्पिरेंट 10-10 लोग जो टिकट पूछ रहे, तुम्हारे में अगर दम है आके यहाँ पे स्ट्राइक करो मुसलमानों के तरफ से। आज घरों में बैठना वोट मांगने के लीडर नहीं आप। आज मुसलमानों को जो 4% रिजेक्शन खींच लिए, आज वो फिर रिजेक्शन जो फिर बैक आना चाहिए। अगर वो रिजेक्शन नहीं मिलेगा तो आने वाले दिनों में रोड पे उतर के प्रोटेस्ट करेंगे सरकार के खिलाफ, यहाँ के लोकल के MLA के खिलाफ, लोकल के इंचार्ज मिनिस्टर के खिलाफ, यहाँ के MP के खिलाफ हम लोग रोड पे उतरेंगे बोल के मैं बोलना चाहता हूँ।